हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हो कितना टफ होता है, उसके फॉर्मूले को याद करना कितना टफ होता है, लेकिन आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं करना होगा। बिना फॉर्मूले के कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सम को इजिली सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आज वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इससे पहले देखिए, एक वीडियो और एक बना चुका हूँ मैं, अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे कहीं भी टच कीजिए, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, उस आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने कि बिना फॉर्मूले के कंपाउंड इंटरेस्ट के सम को कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई अमाउंट जो है वो 4 साल में डबल हो जाता है, 4 साल में दुगना हो जाता है, तो वो 8 गुना कितने साल में होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला करना होगा आपको, लेकिन फॉर्मूले में सिखाऊंगा नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। देखिए आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो, देखिए आप यहां पर ये देखिए, 4 साल में दुगना होता है, 4 साल में दुगना होता है, डबल होता है, फिर और 4 साल होगा तो ये 2 कितना बन जाएगा, 4 गुना बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए और 4 साल में क्या हो जाएगा, ये 4 कितना हो जाएगा, और डबल हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब यहां पर है कि 8 गुना कब होगा, देखिए ये 4 साल और ये 4 साल और ये 4 साल, तीनों को प्लस कर दिए कितना होगा आपका, 4 + 4 8, 8 + 4 12, मतलब 12 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। देखिए बिना फॉर्मूले के आप ऐसे सम को इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन और एक ट्रिक है मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए, जो इजी लगे आपको वो आप यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, देखिए यहां पर ईयर और टाइम्स दिया है, तो आप यहां पर ईयर लिख लीजिए और यहां पर आप टाइम्स लिख लीजिए। ऊपर क्या दिया है, देखिए 4 साल में दुगना होगा, 4 साल में दुगना होगा, तो 8 गुना, 8 गुना कितने साल में होगा। तो देखिए क्या करोगे, देखिए ये 2 यहां पर दिया है, यहां पर 8 दिया है, तो इस 2 को, ये 2 जो है 8 कैसे बनाओगे, देखिए इसका आप क्यूब करोगे। आप जानते हो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होता है, तो आपने क्यूब कर लिया। जो आप पावर रखोगे, जो आप पावर रखोगे उस पावर को इस ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलिए। चलिए और एक सम लेके आ रहा हूं आपके लिए इसे प्रैक्टिस करने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए और एक सम लेके आया हूं, देखिए इससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते क्या दिया है यहां पर। यहां पर दिया है अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 times itself in 8 years। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि 8 साल के अंदर 3 गुना हो गया है। आगे देखिए क्या दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 243 times, मतलब कितने साल में 243 times हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे हम, यहां लिखेंगे यहां पर y फॉर ईयर हो गया और t फॉर यहां पर टाइम हो गया। आप देख सकते हो यहां पर 3 गुना हो गया, कितने साल में, 8 साल में, तो यहां पर 8 लिखेंगे और यहां पर देखिए 3 लिखेंगे, क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे, देखिए यहां पर बोला है 243 times, तो टाइम्स के नीचे 243 हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमें निकालना ईयर निकालना है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या करोगे, देखिए ये 243 दिया हुआ है, तो ये 3 की जगह पर 243 इसको बदलना होगा आपको। कैसे बदलोगे, देखिए तो आप देख सकते हो यहां पर 3 × 3 = 9 हो गया, 9 × 3 = 27 हो गया, 27 × 3 कितना होगा 81 होगा, और 81 × 3 कितना होगा 243 होगा। तो कितनी बार हो गया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 को अगर मैं पावर 5 लिख दूं यहां पर तो 243 हो जाएगा। और फिर क्या कहा आपको मैंने कि जो पावर आएगा आपका उस पावर से इस ईयर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 × 5 कितना होगा, 8 × 5 = 40 years आपका आंसर आ गया। देख सकते हो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। चलिए और एक सम देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, फटाफट प्रैक्टिस करना और कमेंट करके मुझे आंसर देना। चलिए आपके सामने देखिए और एक सम लेके आया हूं, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए लेके आया हूं, देखिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करके फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर राइट हो गया तो मेरा मकसद पूरा हो गया कि मैंने आपको सही तरह से सिखा दिया आपको।
तो चलिए दोस्तों आपके सामने देखिए और एक इंपॉर्टेंट सम लेके आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है, मतलब जो आपको मैंने सिखाया मैंने देखिए इसका थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया है। क्या देखिए यहां पर किस तरह क्वेश्चन, देखिए यहां पर इफ द अमाउंट बिकम्स 2.25 टाइम्स After 2 years on compound interest, मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है जो अमाउंट जो है वो 2.25 टाइम्स हो गया है 2 साल के बाद, तो आपको क्या निकालना, देखिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज का दर होता है, तो यहां पर लिखता हूं मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R हो गया, यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं। उसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए आपको लिखना पड़ेगा यहां पर P फॉर प्रिंसिपल, मतलब हिंदी में होता है मूलधन होता है, रेशियो में हो गया आप अमाउंट लिखोगे, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया है। अब यहां लिखूंगा देखिए प्रिंसिपल भी लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा और रेशियो में देखिए अमाउंट जो है यहां पर देखिए यहां पर लिखूंगा 2.25 लिखूंगा। इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए इस पॉइंट को मुझे हटाना है तो आप देख सकते हो, देखिए यूनिट टेंस 100, तो अगर मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा, लेकिन एक तरफ मल्टीप्लाई करने से काम नहीं होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 100 किया मैंने और 2.25 मल्टीप्लाई यहां पर 100 किया मैंने। अब क्या करूंगा, देखिए यहां पर 100 कर लिया मैंने, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यहां पर 2 ईयर बोला हो तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। जब यहां पर 3 ईयर्स बोला हो तो आपको क्यूब रूट करना है। जब आपको 4 ईयर बोला हो तो आपको फोर्थ रूट निकालना है। इतना क्लियर हो गया है, ये चीज मुझे समझाना था यहां पर। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इसका मैं रूट करूंगा, देखिए रूट कर लूंगा इसका मैं, तो 100 का रूट कितना होगा, देखिए 10 होगा और 225 मतलब आपको पता है 15 जो 225 होता है, तो यहां पर मैंने 15 लिख लिया। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा 5 होगा, तो यहां पर मैंने 5 लिख लिया मैंने। अब देखिए प्रिंसिपल जो है आप नीचे लिखोगे 10। इतना क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई 100 करोगे 0 0 कैंसिल, 5 10 जा हो गया आपका 50%। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो गया है। तो फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए और एक सम लेके आ रहा हूं आपके लिए मैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों और एक सम लेके आया हूं, देखिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसमें कुछ नया सीख के जाओगे। देखिए देखिए इसमें दिया क्या, देखिए यहां पर दिया है इफ एनी अमाउंट बिकम्स 1.728 टाइम्स आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद देखिए जो अमाउंट जो है वो 1.728 टाइम्स हो गया है। पूछा क्या है, देखिए यहां पर देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज का दर आपको निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। यहां पर क्वेश्चन मार्क कर लिया, जैसे कि मैंने आपको सिखाया मैं इस तरह क्वेश्चन आपका अगर आ जाए एग्जाम में तो आप करोगे, देखिए प्रिंसिपल लिखोगे यहां पर, उसको रेशियो में रखोगे अमाउंट के साथ। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करोगे, देखिए प्रिंसिपल हमेशा 1 लिखोगे, जो टाइम्स आपको दिया है आप यहां पर लिख लोगे 1.728। अब देखो यहां पर पॉइंट आपको निकालना है, तो यूनिट टेंस 100 और ये देखिए 1000, मतलब मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो आपका ये डेसिमल निकल जाएगा। हिंदी में कह देता हूं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजीली आप डेसिमल निकाल पाओगे। तो क्या करेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 1000 करने जा रहा हूं, रेशियो में देखिए यहां पर 1.728 मल्टीप्लाई बाय 1000 मैंने कर लिया, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया जिससे ये पॉइंट निकल जाएगा। तो यहां पर 1000 लिख लूंगा मैं और 1728 ये मेरा हो गया। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर पूछा क्या, देखिए 3 ईयर दिया हुआ है, पहले 2 ईयर दिया था तो स्क्वायर रूट निकाला था, यहां पर 3 ईयर दिया है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहां पर देखिए क्यूब रूट निकालने जा रहा हूं, देखिए तो अगर क्यूब रूट निकालोगे 1000 का तो 10 आ जाएगा और 1728 का क्यूब रूट निकालोगे तो आंसर होगा आपका 12 होगा। अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता है आपको, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां जाके आप देख सकते हो। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करोगे, देखिए दोनों का डिफरेंस, देखिए दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है तो यहां पर 2 लिखोगे। उसके बाद देखिए याद रखना, देखिए नीचे क्या लिखोगे, हमेशा जो प्रिंसिपल है वही लिखोगे, तो यहां पर मैं 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई 100% के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 10 जा 20% आपका आंसर हो गया। देख सकते हो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना। और जब बेल आइकन प्रेस करते हो तो आप ध्यान रखिए उसमें तीन ऑप्शन होंगे, उसमें ऑल में क्लिक कर देना। और ऑल में क्लिक कर दिया आपने तो जो भी वीडियो बनाएंगे हम लोग वो आप तक बिना रुकावट के पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।